हेलो एंड वेलकम। इजी ऑटो फॉर एक्सेल टू टेली डेटा कन्वर्टर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैडबरी जो कंपनी है ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है और उस सॉफ्टवेयर से जो डेटा एक्सपोर्ट होता है उसको हम लोग टैली में किस तरह से इम्पोर्ट करें। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये उसी सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सपोर्ट हुआ है जो कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर में आप देख सकते हो बहुत सारे कॉलम्स अवेलेबल है, जैसे डेट है, इनवॉइस डेट है, बिल नंबर दिया हुआ है, पार्टी का नाम दिया हुआ है। तो ऐसे देखिए आप बहुत सारे यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये डेटा हम लोग इजी ऑटो फोर सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से टैली में इंपोर्ट कराएंगे वो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस देखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इस टेम्पलेट को क्लोज़ करता हूँ। क्लोज, यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर के टेम्पलेट में आ जाएंगे। यहाँ पर ये टेम्पलेट अवेलेबल है। अब देखिए ये जो टेम्पलेट है और आपने जो टेम्पलेट देखा उसमें बहुत सारा फ़र्क है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग यहाँ पर आपका डेटा कॉपी पेस्ट भी करा के इम्पोर्ट करा सकते हैं या मैपिंग करा के इम्पोर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैपिंग ऑलरेडी कर रखा है, तो हम लोग मैपिंग के थ्रू आपका जो डेटा है एक्सेल फाइल में उसको हमारे टेम्पलेट में हम लोग इंपोर्ट करवा लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमको क्लिक करना है इंपोर्ट टू एंट्री शीट। ये आपके डेटा से इजी ऑटो फोर के टेम्पलेट में डेटा इंपोर्ट हो चुका है जो हमने मैपिंग की थी उसके थ्रू। देख सकते हैं यहाँ पे आप डेट आ गई है, बिल नंबर आ गया है, पार्टी का नाम, GST सेल्स, CGST, SGST, और उसके बाद में से डिस्काउंट और आगे बहुत सारे कॉलम दिए, जैसे इन्वेंट्री का डिटेल्स आ गया है, बिल क्वान्टिटी, रेट क्वांटिटी, यहाँ पे आपने जो वाउचर टाइप बनाया है वाउचर टाइप भी आ गया है। ठीक है, GST नंबर आ गया है, और आगे आप अगर देखोगे तो जो प्रोडक्ट नए बनने वाले हैं उसके लिए HSN कोड, उसका टैक्स परसेंटेज, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। तो हमको यहाँ पर सिंपली सेव ऑन जनरेट में क्लिक करना है। ये एंट्रीज आपका जनरेट हो गया, हम इसको ओके करके सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। अभी सब में पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो टैली में कंपनी बनाई है इसमें कोई डेटा नहीं है, ये ब्लैंक कंपनी है। अगर हम लोग इसमें लेजर देखना चाहें तो आप अगर यहाँ पे देखो लेजर, तो कोई लेजर अवेलेबल नहीं है। और अगर हम लोग स्टॉक देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है, कम्प्लीटली ब्लैंक कंपनी है। तो अभी हम लोग इजी ऑटो फोर में आएंगे, यहाँ पर इसको रिफ्रेश एंट्रीज फ्रॉम एक्सेल में क्लिक करेंगे, तो जो एक्सेल में जो एंट्रीज हमने बना के रखी हुई है वो यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएंगी। ये एक्सेल से एंट्रीज रिफ्रेश हो गई, ये बता रहा है 5 एंट्रीज आई है और 10 नए लेजर बनेंगे। हमने कहा ओके। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक आइटम नए बनने वाले हैं तो आप यहाँ पे न्यू स्टॉक में न्यू आइटम में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से लेजर नए बनने वाले हैं तो आप न्यू लेजर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने लेजर का लिस्ट आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर बुक इन टैली में क्लिक करना है, ये एंट्रीज आपके टैली में पोस्ट करा देगा। सब में पहले जो स्टॉक आइटम्स अवेलेबल नहीं है वो बना लेगा, और उसके बाद में से आपके सामने ऑप्शन देगा वो लेजर क्रिएशन के लिए। अभी पूछ रहा है आपको ये लेजर्स अवेलेबल नहीं है, हमने कहा बना दो नए, और इसके साथ में वो एंट्री को भी पोस्ट कर देगा। आपकी एंट्री टैली में पोस्ट हो गई है, हम लोग अभी टैली में जाएंगे। देखिए जो स्टॉक नहीं थे वो स्टॉक बन गए हैं। अगर आप स्टॉक में देखना चाहते हैं GST की डिटेल्स आई है या नहीं तो वो भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का नाम आ गया, क्वान्टिटी अपना यूनिट आ गया, यहाँ पर मैं GST अप्लीकेबल में अगर हम लोग देखेंगे उसको तो उसका HSN कोड और GST के परसेंटेज भी यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरह से लेजर भी यहाँ पर बन चुके हैं। अगर आप लेजर देखना चाहें तो यहाँ पे आप लेजर देख सकते हैं। ये लेजर देखिए, लेजर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे एंट्री को, DSS करता हूँ मैं यहाँ पे, और हमने जो वाउचर टाइप बनाया हुआ है कैडबरी सेल्स, इसके अंदर में हम लोग जाएंगे। हमने अप्रैल मंथ की एंट्री इंपोर्ट की है, उसमें जाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम वगैरह सब कुछ आ गया है, आपका बिल नंबर भी यहाँ पर आ गया। हम लोग उसको यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपके सामने देखिए यह पूरा एंट्री यहाँ पर सेव हो चुका है। तो बड़ी ही सिंपल वे और आसानी के थ्रू आप इजी ऑटो फोर के थ्रू, आपके पास में कोई भी अगर एक्सेल में डेटा है, जैसे हमने कैडबरी सेल्स का इंपोर्ट किया, कोई भी सेल्स है, परचेस है, रिसीट है, पेमेंट है, कोई भी डेटा रहने दो आपका, आप बड़ी ही आसानी से और सिंपल वे में इजी ऑटो फोर के थ्रू टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।